Rahman Rahim, Assalamu Alaikum and welcome back to my channel. I am back with another video और आज है एक vlog और vlog इस बारे में कि आज है मेरा पहला दिन university में, University of Hertfordshire in UK. मैं एक्चुअली यूके आ चुका हूँ, एक हफ्ता हो चुका है मुझे और आज मेरा पहला दिन है यूनिवर्सिटी का और मुझे कुछ भी आइडिया नहीं है कि यूनिवर्सिटी कहाँ पे है. मतलब गूगल मैप से ही देख के जैसे भी जाना है और जाना है लोकल ही जाना है और जो जहाँ पे मैं रह रहा हूँ यहाँ से तकरीबन दो घंटे का फासला है यहाँ से अगर हम लोकल ट्रैवल करते हैं तो चलते हैं, देखते हैं कैसा रहता है यूनिवर्सिटी का पहला दिन एक्सपीरियंस. अल्हम्दुलिल्लाह बैचलर लाइफ ख़त्म, मतलब बैचलर्स की डिग्री ख़त्म और अब मास्टर्स की डिग्री है मेरी. तो मैं मास्टर्स डाटा साइंस में जो है मैंने एडमिशन लिया है तो अल्हम्दुलिल्लाह आई होप कि अच्छा ही जाएगा. जैसा कि बैचलर्स भी मेरा काफ़ी अच्छा गया, आपने मेरी लास्ट वीडियो में देखा ही होगा कि मैंने गोल्ड मेडल लिया था बैचलर में. तो इंशाल्लाह उम्मीद है यहाँ गोल्ड मेडल लेके आएंगे तो देखते हैं. तो अभी मैं जो है रेडी शेडी हो रहा हूँ थोड़ा सा, अभी थोड़ी देर में मुझे निकलना है नाश्ता करके. तो चलिए चलते हैं, देखते हैं कैसा रहता है सफ़र. हाँ जी, तो अभी तो मैं निकल चुका हूँ यूनिवर्सिटी की तरफ. ये अभी जहाँ पे मैं रह रहा हूँ इस एरिया का नाम है ईस्ट हैम और अभी मुझे यहाँ से एक कार्ड लेना है विच इज़ कॉल्ड ओइस्टर कार्ड. ये होता है एक जहाँ पे अगर आपको बसेस में और विद इन द लंडन अगर आपको बसेस या ट्रेन्स में ट्रैवल करना है तो उसके लिए ये ज़रूरी होता है. आपको पता नहीं मेरी आवाज़ आ रही होगी क्योंकि नहीं, यहाँ काफ़ी ट्रैफिक है. तो कार्ड लेते हैं तो फिर जो है वो आगे चलते हैं. ये जो है ये रहा ओइस्टर कार्ड, ये मैंने ले लिया और अभी जो है चलते हैं रेलवे स्टेशन की तरफ. ट्रेन स्टेशन, ये सारा एरिया ईस्ट हैम विच इज़ लंडन. तो चलते हैं जी टूवर्ड्स द ट्रेन, देखते हैं कि कितनी देर लगती है पहुंचने में. मैं भी फ़र्स्ट टाइम ही जा रहा हूँ, गूगल मैप. अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, अगर आप आ रहे हो यूके में लंडन में और अगर आपके पास इंटरनेट है तो आप इजीली ट्रैवल कर सकते हो कहीं भी यूजिंग गूगल मैप, क्योंकि ये बहुत अच्छा आपको गाइड करता है और आपको इजी रूट्स जो है वो बता देता है. अगर आपको कोई भी यहाँ पे रिसीव करने वाला नहीं है या कोई भी आपको गाइड करने वाला नहीं है और आप भी मेरी तरह अगर हेजिटेट करते हो किसी से पूछने के लिए कि कहाँ आपको जाना है तो गूगल जो है वो एक बेस्ट ऑप्शन है. और अगर आपके पास इंटरनेट है तो आप इजीली ट्रैवल कर सकते हो तो उससे कोई इशू एज सच आपको फेस नहीं करना पड़ता. तो चलते हैं जी रेलवे स्टेशन की तरफ. मैं हूँ रेलवे स्टेशन पे और ट्रेन का वेट कर रहा हूँ. अभी ट्रेन आएगी तो फिर हम उसमें बैठेंगे और फिर यूनिवर्सिटी जाएंगे. एक्चुअली काफ़ी लंबा रास्ता है तो आई एम ऑलरेडी लेट क्योंकि फर्स्ट डे था, कुछ पता भी नहीं था कैसे जाना कैसे नहीं और जहाँ मैं रह रहा हूँ काफ़ी दूर है. तो आई थिंक ट्रेन इज़ ऑन द वे, तो चलिए ट्रेन में चलते हैं. अभी एक ट्रेन चेंज करके तो मैं दूसरी ट्रेन पे हूँ फ़िलहाल. यहाँ पे जो है यार ट्रेन्स को अंडरस्टैंड करना बड़ा मुश्किल है, ख़ासतौर पर अगर एक रेलवे स्टेशन पे बहुत ज़्यादा प्लेटफॉर्म हों तो उनको ढूंढना बड़ा मुश्किल होता है. तो अभी मैंने एक ट्रेन जो है वो चेंज की है अब दूसरे प्लेटफॉर्म पर आके, तो दूसरी ट्रेन पर जो है मैं वो बैठा हूँ. तो अब आई थिंक इसको चलने में थोड़ा टाइम है क्योंकि ये जो लास्ट स्टॉप है ये वो है, फिर यहाँ से ये जाएगी आगे जिस स्टॉप पर मैंने उतरना है, फिर वहाँ से यूनिवर्सिटी की बस पे और फिर देन यूनिवर्सिटी. तो तकरीबन फर्स्ट डे अगर आप जा रहे हो तो आपको थोड़ी सी मुश्किल होगी क्योंकि ट्रेन्स के रूट और प्लेटफॉर्म ढूंढना थोड़ा मुश्किल है अगर प्लेटफॉर्म बहुत बड़े हो तो, वरना जब आप एक दो दफ़ा जाओगे तो आप यूज़ टू हो जाते देन आपको इतना मुश्किल नहीं होता जाने में. तो अभी ट्रेन बिल्कुल खाली है क्योंकि इसका फर्स्ट स्टॉप है अभी, तो चलते हैं. मैं आपको अब नेक्स्ट स्टेशन पे जहाँ पे मैं उतरता हूँ वहाँ पे जाकर देखते हैं क्या सीन है.
अभी मैं हूँ जी स्टेशन से उतरा हूँ अभी, और अभी यहाँ से पकड़ेंगे यूनिवर्सिटी की बस और फिर जाएंगे यूनिवर्सिटी पर। यह है हेटफील्ड स्टेशन, और हेटफील्ड स्टेशन से जो है हम यूनिवर्सिटी जो है वो जाएंगे जी। तो अभी मैं हूँ हेटफील्ड स्टेशन पे, और यहाँ पे छोटे छोटे बस स्टॉप्स बने हुए हैं, ये छोटे छोटे रूम हैं, यहाँ पे यूनिवर्सिटी की बस आती है। अच्छा, यूनिवर्सिटी की बस जो होती है वो कुछ यहाँ पे होती हैं UNO सर्विस, यूनिवर्सिटी की ही बस सर्विस, यूनिवर्सिटी ऑफ हर्टफोर्डशायर की, ठीक है मैं बात कर रहा हूँ। और अगर आपने इस बस सर्विस से अपने यूनिवर्सिटी तक जाना है तो आपको यहाँ तो कार्ड से पे करना पड़ेगा, या फिर आपको ऑनलाइन इनकी ऐप से टिकट परचेज करनी पड़ेगी, या आप कैश भी पे कर सकते हो, लेकिन कैश आपका हमेशा चेंज आपके पास होना चाहिए। पर सबसे पहले आप अपना स्टूडेंट आईडी कार्ड ज़रूर रिसीव करें, और स्टूडेंट आईडी कार्ड पे आपको डिस्काउंट मिलता है बस का। और अगर आप रिटर्न टिकट परचेज करते हैं तो 2.50 की मिलेगी आपको रिटर्न टिकट, और अगर आप रिटर्न टिकट परचेज करते हैं, और अगर आपने एक ही टिकट लेनी है सिर्फ जाने की या आने की, तो फिर आपको 1.30 पेंस की आई थिंक टिकट जो है वो मिलती है। उसके लिए आपके पास स्टूडेंट कार्ड होना लाजमी है, तभी आपको डिस्काउंट मिलेगा, वरना आपको नहीं मिलेगा। अब क्योंकि मेरे पास स्टूडेंट कार्ड नहीं है तो मुझे डिस्काउंट नहीं मिलेगा, मुझे फुल ही पे करना पड़ेगा, वो पता नहीं कितना है कितना नहीं है। तो अभी बस आएगी तो मैं कार्ड से ही पे करूँ। दूसरा, आपके पास हमेशा चेंज होना चाहिए अगर आप कैश पे कर रहे हो तो, ये कभी भी आपको क्या कहते हैं पैसे लेके बकाया देने वाला कोई हिसाब नहीं है, वो कहते हैं चेंज लेके आए, तो मेरे पास भी चेंज नहीं था, तो उसके लिए मुझे साथ शॉप से एक जूस की बोतल ख़रीदनी पड़ी है चेंज लेने के लिए, क्योंकि शॉप वाले वो कहते इतनी जल्दी चेंज भी नहीं देते। तो ये मेन चीज़ थी। अभी मैं बस का वेट कर रहा हूँ, तो फिर मैं आपको दिखाता हूँ बस दिखती किस तरह से और कौन सी बस है। तो बस आती है तो फिर आपसे फिर चलते हैं यूनिवर्सिटी की तरफ। ये यूनिवर्सिटी की बस इस तरह से आपको दिखेगी, पिंक आगे से, पिंक पीछे से, ब्लू कलर की। तो ये डिफरेंट दोनों मतलब कैंपसेस के लिए डिफरेंट बसेज होती है, आप उनसे पूछ लीजिएगा कि आपने टी हैवर्ड में जाना है या कॉलेज लेन में जाना है। तो अभी बस में बैठते हैं, और माय टिकट मुझे 2.40 की मिली है, और ये रिटर्न टिकट है। तो अभी हम यूनिवर्सिटी बस में, और अब चलेंगे कैंपस। जी हम पहुंच चुके हैं यूनिवर्सिटी ऑफ हर्टफोर्डशायर, और ये वाकई बहुत ही अच्छी लोकेशन पे बनी हुई है यार, मतलब के बहुत अच्छी लोकेशन है। क्या आप यूनिवर्सिटी इज़ अ ह्यूज 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 यूनिवर्सिटी, और बहुत सारी बिल्डिंग्स हैं इसकी। और अभी तो मुझे खुद समझ नहीं आ रही कि मुझे कहाँ जाना है। अच्छा, अभी यहाँ पे मुझे इस यहाँ पे कहीं रोड पे उन्होंने मुझे उतारा है बस वालों ने, और ये इस साइड पे भी बिल्डिंग्स हैं यूनिवर्सिटी की, और ये सारी भी बिल्डिंग्स हैं। ये जो है ये सारा इसका मेन रिसेप्शन एरिया है, ठीक है, ये मेन रिसेप्शन एरिया। वो सामने वाली जो बिल्डिंग आपको नज़र आ रही है वो वाली, वो इनकी फिल्म एंड मीडिया की जितनी भी है बिल्डिंग, जो मीडिया के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए है। देन इस साइड पे दो तीन बिल्डिंग्स हैं, वो आई डोंट नो अब किस चीज़ की है मुझे, अब क्योंकि मेरा भी पहला दिन और मुझे कोई आइडिया नहीं है। अभी मुझे जाना है ह्यूटन हब में। एक्चुअली ह्यूटन हब में क्या होगा कि मुझे नज़र आ गई ह्यूटन हब, वो सामने ह्यूटन हब बिल्डिंग है, वहाँ से मुझे बनवाना है अपना स्टूडेंट कार्ड। जो जब भी आप यूनिवर्सिटी आओ तो सबसे पहला काम आपने ये करना है कि आपने अपना स्टूडेंट कार्ड जो है वो लाजमी बनवाना है। स्टूडेंट कार्ड से आपको बहुत से फ़ायदे मिलते हैं, स्पेशली इन द UK। सबसे पहले तो आपका ट्रैवलिंग में आपको डिस्काउंट मिलता है, अब जो भी ट्रैवल करते हो और शॉपिंग वगैरह और बहुत सी चीज़ों में आपको डिस्काउंट मिलता है, तो स्टूडेंट कार्ड जो है वो ज़रूरी लाजमी बनवाना होता है। तो ये जो है जी, अभी वो सामने ह्यूटन हब बिल्डिंग में जो है मुझे जाना है। क्लास मेरी जो है वो 4 बजे है, यानी कि UK के 4 बजे। तो अभी मेरे पास टाइम है तो मैं तब तक थोड़ा सा इसको एक्सप्लोर कर सकता हूँ। एक्चुअली कैंपस बहुत बड़ा है, तो एक्सप्लोर करते करते भी बहुत सारा इसको टाइम लग सकता है, और स्पेशली उस बंदे के लिए जो कि पहली दफ़ा यहाँ पे आया हो। तो चले मैं चलता हूँ बिल्डिंग में, फिर देखते हैं कि आगे क्या सीन है।
अभी मैं हुटन हब बिल्डिंग में और इसका मेन जो रिसेप्शन होता है उसमें हूँ। यहाँ पे आके एक बड़ी सी स्क्रीन होगी, वहाँ से आपने स्टार्ट करना होता है जो भी आपको चाहिए। आप अपना BRP कलेक्ट करना चाहते हो वो यहाँ से कर सकते हो। स्टूडेंट ID चाहिए आपकी, मुझे क्योंकि स्टूडेंट ID चाहिए थी। वहाँ पे जाके आप आपको जो 8 डिजिट का आपका स्टूडेंट नंबर जो आपको मिला होता है वो आप उसमें एंटर करते हो। आपको एक दो डिटेल्स देनी होती है, आपकी डेट ऑफ बर्थ देनी होती है, देन आपको एक टोकन जो है वो इशू होता है लाइक दिस। इस तरह का आपको एक टोकन जो है वो इशू किया जाएगा, देन आपको वेट करना होता है। सारा वेटिंग लाउंज है, आप यहाँ से देख सकते हो सारा वेटिंग लाउंज है, आपको वेट करना होगा। अभी मैं वेट कर रहा हूँ मेरे कॉल का, फिर मैं जाऊँगा, फिर अंदर देखते हैं कि क्या सीन है और ID कार्ड मुझे कितनी देर में मिलता है। मुझे मेरा कार्ड मिल चुका है और अब हम चलते हैं बिल्डिंग से बाहर और अब देखते हैं कि क्या करना है, क्योंकि अभी मेरे पास टाइम है। तो तब तक हम थोड़ा सा कैंपस को एक्सप्लोर करते हैं। तो चलिए जी, देखते हैं कि और क्या क्या करिए। अभी मैं हुटन हब बिल्डिंग से जो है वो बाहर निकला हूँ और शुक्र है यहाँ पे धूप निकली हुई है। यार लंदन में तो बारिश हो रही थी और स्टूडेंट हर्टफोर्डशायर स्टूडेंट यूनियन यहाँ पे, आई थिंक दिस इज़ द कैफेटेरिया, ये साइड पे कैफेटेरिया है। खैर देखते हैं बाकी क्या क्या और मैं एक्सप्लोर कर सकता हूँ। मैं एक्चुअली पहुँचा भी थोड़ा लेट ही हूँ यूनिवर्सिटी में। यस, तो दिस इज़ कैफेटेरिया। अब यहाँ से आई डोंट नो कि क्या खाने को मिलता है क्या नहीं, कुछ हलाल है अभी कि नहीं। इधर ये बड़ा मसला है भाई हलाल खाने का। सो दिस इज़ द कैफेटेरिया, दिस इज़ जी, ये सारा खाने पीने का ही एरिया बस। और मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या बोलूँ। खैर कोई चीज़ नहीं, अगर मुझे देखने को मिलती है तो फिर मैं आपको बताता हूँ। यहाँ का मौसम ये देखें जी, स्नो फॉलिंग हो रही है बिल्कुल लाइव। अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पे धूप थी और अभी स्नो फॉलिंग हो रही है। एंड यहाँ का वेदर ऐसे ही बिल्कुल अनप्रडिक्टेबल। ओ माई गॉड, फाइनली जद्दोजहद के बाद मुझे अपना रूम मिल गया है, क्लासरूम। बहुत मुश्किल है भाई ढूंढना यहाँ पे। अच्छा, अगर आप यूनिवर्सिटी ऑफ हर्टफोर्डशायर में आ रहे हो तो हर्ट्स मोबाइल के नाम से एक ऐप है इनकी यूनिवर्सिटी की, आप वो डाउनलोड कर लो। वहाँ पे लोकेशन लोकेशन वाले ऑप्शन पे जाके आप अपना रूम का नंबर डालोगे, आपको पूरे लोकेशन वो बता देगा, आप इजीली फाइंड कर सकते हो। ठीक है, और आप किसी से भी यहाँ पूछ लो, वो इजीली आपको बता देगा। रिसेप्शन बहुत हेल्पफुल है और मुझे रूम मिल गया। अभी लेक्चर स्टार्ट होने में थोड़ा सा टाइम है, तो देखते हैं क्या सीन है। फाइनली आई एम डन विद माई क्लासेस। मेरी आज टोटल तो 4 क्लासेस थी, लेकिन मैं एक्चुअली लेट आया तो 2 क्लासेस जो है वो मैं अटेंड कर सका। और अभी यहाँ पे 6 बज चुके हैं UK के टाइम टेबल के हिसाब से, बाहर बिल्कुल अंधेरा हो चुका है। और अब मुझे क्योंकि वापस निकलना है, क्योंकि यहाँ से तकरीबन 2 घंटे का सफ़र है, जर्नी है टूवर्ड्स दी लंदन जहाँ पे मैं स्टे कर रहा हूँ। और अभी मुझे वहाँ पे निकलना है, टिकट्स मेरे पास ऑलरेडी परचेज्ड हैं। सो चलते हैं। अब बाहर का व्यू जो है वो अच्छा, अभी प्रॉपर कैंपस मैं नहीं देख सका प्रॉपर, क्योंकि बहुत बड़ा कैंपस है और मुझे खुद भी आइडिया नहीं था कि कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना। तो इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको प्रॉपर पूरा कैंपस टूर भी इसका करवाऊँगा, यूनिवर्सिटी ऑफ हर्टफोर्डशायर का ईच एंड एवरीथिंग। तब तक मुझे भी थोड़ा आइडिया हो जाएगा क्या यूनिवर्सिटी में क्या क्या है, कौन कौन से डिपार्टमेंट्स हैं और कौन कौन से फैसिलिटीज़ हैं फॉर द स्टूडेंट्स। और एक्चुअली में बहुत प्यारा और अच्छा कैंपस जो है वो बना हुआ है, बिल्कुल इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का। वही बंदा UK आए तो फिर लगे कि आप किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हो अच्छी वाली में। तो अभी चलते हैं वापस और इस वीडियो को मैं यहीं पे ख़त्म कर रहा हूँ। और आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी, छोटी सी वीडियो है। और ये मेरा पहला दिन था यूनिवर्सिटी में, अच्छा रहा, ठीक था। मतलब मैं अकेला ही था, कोई जानने वाला भी नहीं था यहाँ पे, ना कोई साथ दोस्त कोई भी नहीं था। और जो दोस्त ये मेरी वीडियो देख रहा है उसको पता है कि मैं उसे बहुत ज़्यादा मिस कर रहा हूँ। तो जल्दी आ जा यार, तेरा बहुत 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 इंतज़ार है, जल्दी आ जा। और चले, अल्लाह हाफिज़।
बाय बाय। वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को, वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट ज़रूर करके बताइएगा आपको ये छोटी सी वीडियो कैसी लगी। इंशाल्लाह ऐसा ऐसा मैं व्लॉगिंग को इम्प्रूव करूँगा और अच्छी अच्छी वीडियोज़ लाता रहूँगा अपने चैनल पर मैं एक्चुअली, और कोशिश ये भी करूँगा कि आपको कुकिंग की वीडियोज़ भी देता रहूँ, क्योंकि मेरा एक्चुअल पर्पज़ जो चैनल बनाने का वो यही था कि मैं कुकिंग की वीडियोज़ बनाऊँ, तो इंशाल्लाह वो भी मैं लाता रहूँगा। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। उसके अलावा मुझे सोशल मीडिया पर भी फॉलो कर सकते हैं, सारी डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।